हाय गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि आज हम पूरी वेट लॉस की थीम पे चल रहे हैं, तो अभी हम बात भी वेट लॉस पे करने वाले हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, जिसमें अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से और योगा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसमें मेडिटेशन भी आएंगे और बहुत सारी चीज़ें। और आप समझ गए होंगे जब हम इन सब सारी चीज़ों की बात करते हैं तो हमारे साथ कौन मौजूद होता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगी। सबसे पहले मैं पोल का सवाल रिपीट करूँगी। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप मोटी लड़की से शादी करेंगे, और ख़वातीन का कि क्या आप अपने भाई की, अपने बेटे की मोटी लड़की से शादी कराएंगी। इसका जवाब आप हमें दे रहे हैं, फ़ोन करके भी दे रहे हैं, ईमेल करके भी दे रहे हैं और फेसबुक पे भी दे रहे हैं। तो अभी फ़ोन लाइंस भी ओपन है, तो आप वहाँ पे भी जवाब दे सकते हैं। हमारे पास सिंस हम योगा की बात करेंगे, मेडिटेशन की बात करेंगे, तो आपको पता है जब हम ये बात करते हैं तो यूजली हमारे पास मौजूद होते हैं योगी विजय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। क्या बात, ही ऑलवेज सेज अल्लाह का बड़ा एहसान है। ही नेवर सेज कि बस ठीक हूँ या आई एम फाइन या सब कुछ ठीक है। ही ऑलवेज सेज अल्लाह का बड़ा एहसान है, व्हिच इज वेरी राइट। सही जी। और इनके साथ पहली बार हमारे हेल्दी मॉर्निंग पे आई हैं, लेकिन हम ऑलरेडी एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, किडनी सेंटर में होती हैं। हमारे साथ मौजूद है फायजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अब हम इनसे बात करने से पहले ना, वेट लॉस से बात करने से पहले हम इनसे पोल का सवाल पूछते हैं जी। अब मेरी शादी तो हो चुकी है। नहीं, शादी के वक्त अब देखिए ना, आप तो अब बड़े उससे बोलेंगे, लेकिन शादी के वक्त अगर आपकी वाइफ मोटी होती है, आपको पता चलता कि जो लड़की आपकी अम्मा ने पसंद किया वो मोटी है, तो आपकी लव मैरिज थी? नहीं, मिक्स थी। मिक्स थी, अच्छा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन क्या आप मोटी लड़की से शादी करते हैं? मेरे ख्याल से अब अगर होती तो फिर फर्क नहीं था। उस जमाने में ये सेंस नहीं था, उस जमाने में खूबसूरती विजुअल थी। तो हमें देखने में जो लोग अच्छे लगते थे उनकी तरफ ध्यान जाता था। ये बहुत बाद में समझ में आई कि जो जैसा दिखता है अगर वो अंदर से वैसा ना हो तो बड़ा मसला हो जाए। ये तो है, यही बात हम लोग सुबह में भी डिस्कस कर रहे थे कि वाई वी ओनली गो फॉर द सुपरफिशियल थिंग। इंसान की जो हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी उसकी एजुकेशन क्या है, उसके मॉरल वैल्यूज क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये चीज़ें मैटर करती हैं बजाय कि उसका फिजिकल आउटलुक। ठीक है, प्रेजेंटेबल होना ठीक है, बट मोटा पतला होना अक्सर लोगों के हाथ में नहीं होता है, तो दैट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ अ मोटी लड़की कि वो क्या करे बेचारी। और फायजा से भी पूछते हैं, भाई फायजा, आप अपने भाई की या अब फ्यूचर में जब आपकी शादी होगी तो अपने बेटे की मोटी लड़की से शादी करेंगी? डिपेंड करता है भाई पे, अब डेफिनेटली उसको पसंद होगी तो फिर, लेकिन आई थिंक मोटी लड़की हो या फिर लड़का हो, तो दोनों, मतलब मोटापा तो जाहिर नहीं अच्छा लगता किसी को भी। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपका वेट है या बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो इट डजंट मैटर कि सिर्फ खवातीन ही मोटी ऐसे लोगों को जानती होंगी ना जिनकी टेंडेंसी ही है, दे कांट हेल्प इट। मतलब अगर आप उनकी डाइट भी देखें तो वो हेल्दी है और वो एक्सरसाइज भी करते हैं और वो सब कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा जो आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो मैटर करता है, मतलब आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों की अगर आप लाइफस्टाइल को नोट करें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ऐसी बात नहीं है कि उनकी डाइट, हाँ उनकी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, उनका डाइट अगर इम्प्रॉपर है या उनका इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे वो डे टू डे लाइफ में, और वो बेचारे क्या करें जिनके हार्मोनल इश्यूज आते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म या फीमेल हार्मोन, उसमें भी स्टिल देखिए यही है कि अगर आप उनका मतलब हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ होती है गड़बड़ लाइफस्टाइल में, बिकॉज उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट ना। और वो वाले लोग जिनके घर में सारे, और वो भी फिर ऐसे फिर, हाँ लेकिन देखिए लाइफस्टाइल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर होता है ना। फायजा बस अटक गए हैं कि लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल की बात अभी हम करने वाले, यही बात जो है आप लोगों को समझाने वाले कि हमारी तरफ से क्या गलतियां होती हैं। आज का जो हम पूरा वेट लॉस का प्रोग्राम कर रहे हैं वो यही समझाने के लिए कर रहे हैं कि जो चीज हमें नॉर्मल लग रही होती है कि ठीक है यार ऐसा ही है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। तो हम सबसे पहले योगी वजह साहब से शुरू करते हैं, मोटापे के लिए इस आसन के अलावा और क्या क्या? मुझे भी तो कुछ बताने दीजिए। आपने तो मुझे याद हो गया। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, फादर ने बहुत अच्छी बात की है। लाइफ स्टाइल को जब हम बात करते हैं वेट के हिसाब से, तो जरा जहन में लाइए कि वो कौन सी चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल वेट के हिसाब से होंगी। पहली चीज है खाना, दूसरी चीज है एक्सरसाइज ना करना, एक घराने में उमर एक्सेसिव सोना, वो एक्सरसाइज ना करना, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उस पर बहुत डिटेल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप गौर करें डॉक्टर साहबा, तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ घरानों में एक ही तरह की गजा खाई जाती है। हाँ, मेनली यस। अगर घर में चावल बन रहे हैं तो फिर चावल ही खा रहे हैं, बच्चा बड़ा
उसमें हार्ट का पेशेंट भी वही खा रहा है, शुगर पेशेंट भी वही खा रहा है, लेकिन हमारे तो भी चावल पकते हैं, हमारे तो चावल के अलावा हम खाना ही नहीं खा सकते। ये कहते हैं जी गोश्त के बगैर मैं जी ही नहीं सकता। तो ये लाइफ स्टाइल है वेट के हिसाब से। हम ये नहीं कह रहे कि आप सुबह कब उठते हैं क्या होता है, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन योगा तीन खानों की बात करता है, एक सात्विक खाने, तमासिक खाने और राजसिक खाने। राजाओं के खाने बहुत चिकने बहुत मसालेदार खाने, एक बासी खाने तमासिक फ्रिज में रख रख के खाने वाले खाने, और एक है सात्विक सादे खाने। तो अगर वेट को कम करना है तो आपको बहुत हैवी चिकनाई वाली चीज़ें, बड़ी महंगी लग्जरियस चीज़ें नहीं खानी, आपको बासी खाने नहीं खाने, आपको जो खाना है सादा होना चाहिए, मतलब फ्रिज में रखे हुए खाने नहीं खाने, बार बार पका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला लाइफ स्टाइल पैटर्न होगा। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप किसी जिम में जाके एक्सरसाइज करें, एक घंटा वहाँ लगाएं फिर मशीनों पे काम करें, हरगिज़ नहीं। आप ये देखें कि आप एक्सरसाइज करते में एक वो फिजिकल एक्सरसाइज है जिसको आप मुख्तलिफ एरोबिक्स योगा और दीगर चीज़ें जानती हैं, एक एक्सरसाइज वो है जो एक्सरसाइज नहीं है लेकिन फिर भी आपका काम करेगी। मसलन क्या आप अपना पेट टाइट रखते हैं, क्या आप अपनी स्पाइन सीधे रखते हैं, ये अगर आप मुसलसल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी वर्जिश कर रहे हैं जबकि आप बज़ाहिर वर्जिश नहीं करें। यही तो लाइफ स्टाइल है। पोस्चर सही रखना, पेट को ज़रा टाइट रखना, उसके बाद खाने पीने में फिर डिटेल में चले जाएं तो सूरज के डूबने के बाद नहीं खाइए, उसमें नुकसान होता है, वो खाना हजम नहीं होता, नुकसान होता है। तो गजा की माहिर हैं, मैं तो गजा हम अभी उनसे भी बात करते हैं फैजा, कॉल है ना, एक कॉल तो फिर कॉल अटेंड करके फिर बात कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल जी ड्रॉप हो गई है, हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, आप वापस कॉल कर लीजिए। हाँ जी, तो इसमें ना सिर्फ हमारे यहाँ मुद्रा जो आपने बताया, ये सूर्य मुद्रा वैसे ही वेट को कम करता है। व्यूअर्स को बता दे, तो मुझे बता देता हूँ जी, ये हाथ है, इसमें रिंग फिंगर को इस तरह रखा और अंगूठे से हमने दबा दिया, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये हमारे जिस्म में चर्बी को कम करता है, गर्मी को बढ़ाता है। जब ये गर्मी बढ़ाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपने कहा था कि बहुत गुस्सा करने वाले लोग थोड़ा सा अवॉइड करें। जी हाँ, जिनको हाइपरटेंशन, जरा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो जरा ख्याल रखेंगे तो वो शाम में कर लें, जब ठंडक है तब कर लें, सुकून मिल जाएगा विंटर में, और बहुत अच्छा है। और आजकल तो वैसे ही करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज जो इसके अलावा है वह है ब्रीदिंग टेक्निक जिसको कहते हैं कपालभाती। आते हैं उस पे, कॉल के बाद आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग आप्या, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, बात कौन कर रहा है? सनम बात कर रही हूँ कराची से। सनम कहाँ थी? कराची से। सनम कहाँ थी आप इतने अरसे से? मैं तो समझी पता नहीं आप कहीं शिफ्ट होके चली गई। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, आपकी कॉल नहीं मिलती अब इतने, अब एक साल हो गया आपकी कॉल को, पता है? हाँ हाँ मुझे पता है। नहीं पता है राफिया, बीच में लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रही है। क्या हुआ? एक तो मेरी प्रेगनेंसी है, इसी है के हवाले से मुझे सवाल भी पूछना है। मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी हो गया है। ओके। और जो है अभी फिलहाल तो इन दिनों मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ हुआ है। अच्छा, बेटी को टाइफाइड हुआ हुआ है, हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी हो गया। अच्छा, आपने जो है वो कहा था कि मतलब जो कमिंग वीक है उसमें कौन से टॉपिक होने चाहिए, तो अगर ये आप हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड पे प्रोग्राम कर लें तो बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल सनम, डेफिनेटली, आप तो हमारे रेगुलर कॉलर्स, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइफाइड पे बात कर लेंगे एंड हेपेटाइटिस बी पे बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बात करेंगे। और अच्छा ये भी पूछना है डॉक्टर से, अभी हमारा केबल खराब हो गया, एक तो केबल का भी हमारा बहुत मसला रहता है, तो ये भी आप पूछ लें कि मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी के मतलब तो क्या खाना चाहिए ऐसा कि जिससे मैं बहुत ज्यादा वेट भी ना गेन करूं, क्योंकि पहले बच्चे के बाद एक मैंने वैसे ही थोड़ा वेट गेन किया था और उसके बाद ऐसे ना अब दोबारा मैं बम का गोला बन जाऊं। अच्छा जी, हम इस आप अभी दोबारा एक्सपेक्ट कर रही हैं? जी जी, मेरी 8 months प्रेगनेंसी है अभी। 8 months प्रेगनेंसी है, तो अभी आपने कितना वेट गेन कर लिया? अभी तो 64 हो गया, मेरा 52 था। अच्छा फैजा, कुछ कहना पूछना चाहेंगे आप इनसे? डाइट का थोड़ा सा पैटर्न बता हाँ, दें क्विक। डाइट का भी सनम जल्दी से पैटर्न, क्या नहीं, खाती? डाइट तो नॉर्मली 3 times खाना खाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, 3 times खाने में क्या खाती है? सुबह नाश्ते में हल्का फुल्का पराठा, ये बड़ा कमाल की चीज है, हल्का फुल्का, ये कौन सा होता है? ओके, और फिर पराठे के साथ क्या होता है? चाय पराठा या अंडा पराठा। अच्छा, और इसके अलावा दोपहर को 1 roti और रात में 1 roti बस। दोपहर को 1 roti किस चीज के साथ? कोई भी सालन बनाओ घर में, जो भी बनाओ। अच्छा, रात को 1 roti और दूध? दूध 1 glass रात
उसमें तो वो दवाइयाँ खानी पड़ती है तो उसके साथ सप्लीमेंट्स ले रही हैं कोई? हाँ ले रही हूँ, लेकिन अभी पता है मैं फॉलिक एसिड नहीं खाती, मुझे फॉलिक एसिड की टेबलेट्स पसंद ही नहीं है, लेकिन सुबह सुबह आपकी टिप्स सुन के मैंने उठ के दो गोलियाँ खाई वो शुरू के महीने में चाहिए होती है अच्छा मुझे ये भी पूछा था, चले मैंने तो नहीं खाई लेकिन मतलब हमारी डाइट में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जिससे हमें फॉलिक एसिड मिलता है, मतलब किस चीज के अंदर फॉलिक एसिड होता है? अच्छा सर, हम हमारे पोल का सवाल दें, जो आपने सुना है ना सवाल पोल का। हाँ पोल का सवाल, मतलब जाहिर है कोई भी मोटी लड़की से नहीं शादी करेगा ना फिर, मेरे ख्याल से इसीलिए इतनी लड़कियां पागल हुई भी होती हैं जो डाइटिंग कर रही होती हैं और अपनी इतनी केयर कर रही होती हैं। देखो अपनी केयर में कुछ नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि वो लोग क्या करें जो उस चीज को हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ ये था। तो आपको लगे कि नहीं करनी चाहिए मोटी लड़की से शादी? हाँ नहीं नहीं, ये तो कोई रीजन नहीं है, अगर बंदे की नेचर अच्छी है तो क्या शादी ना करने का, ये तो कोई रीजन नहीं है ना, ये कोई रीजन चले बेटी सारी मोटी लड़कियां कहां जा रही हैं, किसी ने किसी ने तो शादी करनी है। एग्जैक्टली, चले रिजा सनम थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आई वाज रियली वेटिंग फॉर योर कॉल। आपको पता है, आपको पता है राफिया, मैं भी आपको बहुत मिस करती थी, मतलब एक वो हो जाता है ना कि इतनी देर बैठ के कॉल मिलानी पड़ती है, फिर छोटे बच्चे के साथ तो वो तो फोन खींच खींच के जान अजाब कर देता है। अच्छा चले हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है? सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सना के लिए क्विक बात, सनम के लिए ये है कि थोड़ा सा अगर आपको वेट कॉन्शियस सब आप हो रही हैं तो थोड़ा फैट का इनटेक कम कर दें, पराठे वगैरह को माइनस करें, हल्का पराठा कुछ नहीं होता, और थोड़े से ग्रीन्स ऐड करें अपनी, वेजिटेबल्स थोड़े फ्रूट्स ज्यादा लें, सैलड्स का इनटेक ज्यादा करें। आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होगा? आइडियल ब्रेकफास्ट में वही एग ले रही है, बिल्कुल ठीक ले रही है। किस फॉर्म में लेना ज्यादा प्रेफरेबल है? बॉइल्ड ले लें अभी, लाइक इनको थोड़ा सा है कि बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं, थोड़ा फैट इनटेक को थोड़ा कंट्रोल कर लें, और थोड़े वेजिटेबल्स फॉर प्रेगनेंसी इज नॉट मच ना, बट उनका जो उनका वेट पे डिपेंड करता है ना, जो उन सब चीजों पे, तो उनको थोड़ा सा अपने डाइट को थोड़ा हेल्दी बनाए ना, मिल्क का इंटेक थोड़ा बढ़ा दें, 2 कप्स कर लें, 1 कप के बजाय, और स्किम मिल्क लें, एक ये प्रिकॉशन करें, फैट उससे माइनस हो जाएगा, फ्राइड एग के बजाय बॉइल्ड ले लें, फिर वेजिटेबल्स के इंटेक थोड़ा सा ज्यादा कर लें, तो इन सब चीजों से ना आपको थोड़ा ये जो आप कह रही हैं फॉलिक एसिड, जब आप सारी वैरायटी ऐड करते हैं अपनी डाइट में वेजिटेबल्स की और डिफरेंट सारे फूड ग्रुप्स को डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सारे विटामिन्स, ये सब इनकी डेफिशिएंसीज फिर नहीं रहती हैं। लेकिन अगर आप एक ही किस्म की डाइट को रखते हैं कि जी हम तो ग्रीन्स नहीं खाते, हम वेजिटेबल नहीं लेते, फ्रूट नहीं लेते, फिर डेफिशिएंसीज डेवलप होती हैं। ये तो है। अच्छा ये फॉलिक एसिड की जो बात मैं सुबह बता रही थी वो इनिशियल डेवलपमेंटल पीरियड के लिए होती है कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं बच्चे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं अगर हम लोग फॉलिक एसिड अपनी डाइट में जो है वो शामिल ना करें, और स्पेशली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, यू नो, ताकि जब आपके प्रेग्नेंट हो तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी फॉलिक एसिड मौजूद हो, कोई डेफिशिएंसीज ना हो। और फ्यूचर के लिए भी यही है कि जब ये जाहिर बेबी को फीड करवाएंगी और उसके बाद वेट गेन होगा, तो फिर आपने वेट लॉस तो आप अचानक तो नहीं वेट लूज कर सकती,